12:45 स्टार्ट होगा बच्चे मैथ्स। मैम रिकॉर्डिंग ऑन है। सुनो ऐसा ऐसा करते हैं कि जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो सब कुछ अब कल डिस्कस करते हैं डाउट्स में, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस हैं अपने, ओके सर, ठीक है, वो कल हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हम लोग लास्ट पॉइंट है और ये तुम्हारा केपीआई या फिर उस लेक्चर में जो लोग जा रहे होंगे थोड़ा बहुत उसमें आया होगा, हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स है ना। हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स, हायर डिग्री मतलब अब हम थोड़ा आगे जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं कोई ओलंपियाड लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स उतना ही जितना हार्डली क्यूबिक या बाइक्वाड्रेटिक, उसके आगे नहीं जाएंगे। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स एंड ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे मान लो सेकेंड डिग्री बाद लेट्स टेक अ क्यूबिक, फर्स्ट पॉइंट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। तो हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं बट एक बार फिर, सपोज वी हैव दिस क्यूबिक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। तो तुम्हें पता है कि इसकी तीन रूट होनी चाहिए, राइट? क्यूबिक इक्वेशन मस्ट है थ्री रूट्स। आई एम नॉट सेइंग थ्री रियल रूट्स, इट कैन बी थ्री इमेजिनरी, सॉरी वन रियल टू इमेजिनरी, है ना, कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, विल डिस्कस अबाउट इट। बट ये तो कंफर्म है कि अगर ये क्यूबिक है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देर मस्ट बी थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स विच विल सेटिस्फाई, विच विल सेटिस्फाई दिस क्यूबिक इक्वेशन, फाइन? अब क्या क्या यहां पर तुम्हें पता होना चाहिए? तो यहां पर पहली चीज है जिसको मैंने तुम्हें बताया था, उसका नाम है वियेटास फॉर्मूला। हालांकि नाम नहीं बताया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज वियेटास फॉर्मूला, एंड यही सेम फॉर्मूले तुमने देखे थे क्वाड्रेटिक में भी। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का इसका फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए। क्या हो रहा है भाई, ओमकार? ओके, सो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए, एंड what is b? b is coefficient of x square, then a is coefficient of x cube, just like quadratic. quadratic mein dekho formula same hi tha, minus b by, wahan pe b kya tha, coefficient of x, aur a tha coefficient of x square, matlab jo next term thi x square ke baad, aur yahan pe jo x cube ke baad jo next term hai x square wali, so minus b by is same hai. second tumne quadratic mein kya dekha, product of roots, और यहां पे आता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बट टेकिंग टू एट अ टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड दिस विल बी इक्वल टू सी बाय ए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स
आईसीएसई वालों ने ये पढ़ा है, सीबीएसई में शायद ये नहीं हुआ। सर था सर, लेकिन ऑप्शनल था सर, था सर, नहीं था आईसीएसई में, ऑप्शनल था सर। आईसीएसई में नहीं था, सीबीएसई में था ही नहीं है क्यूबिक। अब तक तुमने पैटर्न समझा होगा, मतलब मैंने चलो क्यूबिक के लिखा, बट अगर ये बाई क्वाड्रेटिक होती, अगर ये फाइव डिग्री पॉलीनोमियल होता, तो ऐसे कितने फॉर्मूले बनेंगे और वो क्या बनेंगे? अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा तुम गेस कर सकते हो। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, डिग्री प्लस वन कर दो जो भी है। हाँ, जितने जितने जो डिग्री है उतने ही फॉर्मूले हैं, पहली बात। और यहाँ पे तुमने नोटिस किया होगा कि ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, माइनस प्लस ये ऐसा पैटर्न चलता है। एंड अबव ऑल इफ यू कैन प्रूव दिस, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाउ विल यू प्रूव दिस, दीज फॉर्मूलास, ये प्रूफ कैसे करोगे? इस फॉर्मूले को प्रूफ कैसे किया जाए कि सम ऑफ रूट्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है? सर वो फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं ना? यस यस यस। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक में भी, व्हेन यू विल कन्वर्ट एन इक्वेशन इनटू एन आइडेंटिटी, एंड हाउ डू यू कन्वर्ट एन इक्वेशन इनटू एन आइडेंटिटी यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, तुम ये हिंट की तरह समझो कि इसका जो प्रूफ है वो यहाँ पर है। वी हैव दिस क्यूबिक विच इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, बिकॉज वी आर सेइंग अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। तो एक्स माइनस अल्फा विल बी अ फैक्टर, एक्स माइनस बीटा विल बी अ फैक्टर, एंड एक्स माइनस गामा विल ऑल्सो बी अ फैक्टर। सो multiplying these three and comparing the coefficients on left and right, you will get these three formulas. But tum isko multiply karoge, halanki main ek hi step mein kar de raha hu usko multiply, you will get x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x and minus alpha beta gamma. So when you'll compare the coefficients, तुम देख सकते हो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वहाँ यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ए इंटू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। तो ये इसका एक तरीके का प्रूफ हो गया, ये इसी के हिसाब से फॉर्मूले आए। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलीनोमियल के लिए तीन फॉर्मूले हैं, वेतास फॉर्मूला। फाइन, अब क्यूबिक की हेल्प से हम इसको जनरलाइज करते हैं। अब मैं पहुंच रहा हूं सीधा n डिग्री पॉलीनोमियल इक्वेशन पे, n डिग्री पॉलीनोमियल इक्वेशन विच विल लुक लाइक दिस। ए एन एक्स पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू, एंड सो ऑन टू ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यूबिक देने का रीजन ये था कि तुम एक बार लिंक कर पाओ। यहां पर ऑब्वियसली ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड ऑल कोएफिशिएंट्स ए वन इनफैक्ट ए नॉट ए नॉट ए वन सो ऑन टू ए एन, ऑल कोएफिशिएंट्स आर रियल। फिलहाल हम इमेजिनरी कोएफिशिएंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। सो वंस अगेन इफ यू लुक एट दिस पॉलीनोमियल इक्वेशन, आवर फर्स्ट पॉइंट विल बी वेतास फॉर्मूला। अगर इसकी रूट से मान लो, let roots of this equation be alpha 1, alpha 2, alpha 3 and so on to alpha n. तो क्या बनेगा ये पहला फॉर्मूला वेतास फॉर्मूले में? सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? सम ऑफ द रूट्स, यानी कि alpha 1 plus alpha 2 plus so on to alpha n. अच्छा, इस सम को एक ऑपरेटर है हमारा, समेशन ऑपरेटर, इसको सिग्मा बोलते हैं। इसकी फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन होगा जो हम पहुंचेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में, बट दिस इज जस्ट ए नोटेशन। इफ आई राइट सिग्मा अल्फा आई, वेयर आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, तो इसका मतलब यही है। आई थिंक इतने क्वेश्चंस तुमने ट्रिग्नोमेट्री में किए हैं,
ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें कई बार ये वाला सिग्मा ऑपरेटर तुम्हें मिला होगा. दिस कॉल्ड समेशन साइन. सिग्मा अल्फा आई का मतलब हुआ कि आई की वैल्यू को चेंज करना. देखो आई इक्वल्स टू वन टू एन. आई इक्वल्स टू वन टू एन का मतलब आई इज वेरिंग फ्रॉम वन टू एन. आई कैन टेक वैल्यूज वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन टू एन. और जो ये जो सिग्मा नोटेशन है बता रहा है कि बिटवीन ईच टर्म यू पुट अ प्लस साइन. तो अल्फा वन व्हेन यू पुट आई इक्वल टू वन, अल्फा टू बीच में प्लस साइन, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री एंड सो ऑन टू अल्फा एन. बताओ क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्या होगा सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला? माइनस ऑफ ए एन अपॉन ए एन माइनस वन, सॉरी उल्टा, माइनस ऑफ ए एन माइनस वन बाय ए एन. यस, माइनस ऑफ ए एन माइनस वन डिवाइड बाय ए एन. माइनस ऑफ ए एन माइनस वन अपॉन ए एन का मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन. एक बार फिर प्रूफ करने के लिए यू कैन यूज फैक्टर थ्योरम. दिस इज सिंपली सम ऑफ रूट्स. ये सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हो गया. दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? अब डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे नहीं पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम. इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम. सर ये आपने टैन इसे ट्रिग्नोमेट्री में कराया था आपने टैन हाँ. का सर वो समेशन के बाद नहीं समझा सर, फिर से बताओगे एक बार? समेशन के बाद क्या नहीं समझा? ये ए एन माइनस वन अपॉन ए एन. हाँ ये नहीं समझा सर. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, माइनस बी बाय, यहाँ बी क्या है? ए एन माइनस वन है ना. तो सर वो हर जगह कांस्टेंट ही रहेगा? हाँ मतलब किसी भी पॉइंट के साथ वेरी नहीं करेगा वो डिग्री के साथ? जैसे अभी मतलब कंडीशन चेंज होगी ना इसमें, क्योंकि हम लोग एन डिग्री की बात कर रहे हैं ना. हाँ मान लो एन फाइव है तो एन माइनस वन फोर हो जाएगा. जब भी तुम्हें n दिया जाएगा तो n माइनस वन मिल जाएगा ना अपने आप तुमको, वो चीज फिक्स हो जाएगी. Now what is sum of product of roots taking two at a time? इसका मतलब क्या होगा? अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री. ये कंफ्यूज मत होना भाई, इसमें वी हैव टू टेक ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. ये डिस्कस हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ बच्चे नए हैं. लिखने की कोशिश कर सकते हो, हालांकि इतना कोई भाई ये सो ऑन टू इसलिए तो होता है. क्या लिखोगे? अल्फा वन अल्फा टू. पहले सभी रूट्स को अल्फा वन से मल्टीप्लाई कर दो. अल्फा वन अल्फा टू अल्फा वन अल्फा थ्री एंड सो ऑन टू अल्फा वन अल्फा एन. अब अल्फा टू से स्टार्ट करो, अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा टू अल्फा फोर सो ऑन टू अल्फा एन तक. फिर अल्फा थ्री से स्टार्ट करो. But make sure that you are taking all possible combinations. For example, suppose I have four roots, alpha, beta, gamma, delta. So taking two at a time, how many combinations will be there? कितने बनेंगे? अब अगर तुम एक pattern follow करो, देखो alpha, beta, plus alpha, gamma, plus alpha, delta. Sir, six form होंगे. Six. Correct. Beta, gamma, beta, delta. Five हो गए. And finally, gamma, delta. Six हो गए. तो अगर एक सीक्वेंस चलोगे तो अच्छा, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी है. जब पीएनसी में आओगे तो उसके कुछ फॉर्मूले तुम्हें मिलेंगे कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल. परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में है ना इसके? यस यस, पीएनसी में है. बाइनोमियल. फिलहाल तुम्हें यहां पर तुम्हें केवल इसका मतलब समझना है. व्हेन आई से सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, दैट मींस यू टेक टू रूट्स एट अ टाइम, मल्टीप्लाई देम एंड ऐड सच टर्म्स. बट मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. एंड डोंट वरी, you will not have in JE syllabus, you will not have more than 3 or more than 4, at max 4 degree polynomial, not more than that. Uske upar nahi aane wala hai. To parshan mat ho. N degree ke jo questions hote hain, wo Olympiad ke liye hote hain. JE ke liye nahi hote hain. So, what will be your formula? I told you. There is a pattern. Sign is changing every time. This time, ye plus aayega. Aur kya aayega? Dekho, is par hum AN minus 2. Yes. AN minus 2 upon AN. I guess. AN minus 2 upon AN. It is an minus 2 upon an, which means coefficient of x power n minus 2 divided by coefficient of x power n.
सर इसको सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको सिग्मा के फॉर्म में कुछ ऐसे लिखते हैं, अल्फा आई इंटू अल्फा जे, अल्फा आई इंटू अल्फा जे, और यहाँ पे फिर लगाते हैं डबल सिग्मा। प्रोग्रामिंग जैसा है। हाँ सही है, प्रोग्रामिंग में सर जावा में सर ऐसे किए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आई जे तुमने सर पाथ फाइंडर में इसके सम थे, सम थे पाथ फाइंडर फॉर ओलंपियाड में। अब इसमें क्या होगा, आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, जे इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, और यहां पर लगा दो एक कंडीशन दैट आई इज लेस देन जे इज लेस देन इक्वल टू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब इतना समेशन तुमने पढ़ा नहीं है, बट तुमने पूछा तो मैंने बता दिया कि अगर तुम्हें इस चीज को एक्सप्रेस करना है समेशन फॉर्म में तो ऐसा कुछ होगा। अब इसको तुम खुद को एक्सप्लेन कर पाओ तो अच्छी बात है, हालांकि ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है, अगर तुम समझने की कोशिश करो। सिग्मा का मतलब सम, आई और जे दोनों वन से एन तक वेरी करते हैं, बट देयर इज अ कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? दैट आई रिमेन्स लेसर देन जे ऑलवेज, आई हमेशा जे से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू अगर वन रखी जाए तो जे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टू एन। दैट मीन्स अल्फा वन अल्फा टू, अल्फा वन अल्फा थ्री, अल्फा वन अल्फा फोर एंड सो ऑन टू अल्फा वन अल्फा एन आठ। अब मान लो मैंने आई को रखा 2, सपोज मैंने आई की वैल्यू 2 रख दी, तो आई अगर 2 है तो जे की वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए। दैट मीन्स अल्फा टू अल्फा थ्री, अल्फा टू अल्फा फोर एंड सो ऑन टू अल्फा टू अल्फा एन। So do you think you will cover all possible combinations? Yes, definitely. And will there be any repetition? No, there won't be any repetitions because of this condition. ये condition यहाँ पे लगानी जरूरी है। सर ये condition हमेशा Java के program में use करते थे, समझ नहीं आता था कैसे, आज समझा। वही मैं कह रहा हूँ, algorithms बहुत सारे clear होंगे, अभी तुम्हें बहुत सारे notations यहाँ पे मिलेंगे। अब तुमने array use किए होंगे, टू डायमेंशनल एरे भी आने वाले हैं, मैट्रिसेस हम पढ़ेंगे 12th। हां सर, टू डायमेंशनल और वन डायमेंशनल किया है। हां तो टू डायमेंशनल एरेस जो है वो तुम्हें यहां पे मिलेंगे, अभी मैट्रिसेस पढ़ोगे भाई, वो टू डायमेंशनल एरेस ही। वेक्टर्स पढ़ोगे, थ्री डायमेंशनल एरे तुमने अभी देखा नहीं होगा, बट तो वो सारी चीजें जो है वो सब मैथ्स में आएंगी, कहीं ना कहीं लिंक होगा वो। सर वेक्टर में मैंने पढ़ा है कि फोर्थ डायमेंशन टाइम है करके। फोर्थ डायमेंशन टाइम को लेते हैं, तो टाइम के रेस्पेक्ट में वो अपने थ्री डायमेंशंस को चेंज करके बिल्कुल ले सकते हैं, टाइम को फोर डायमेंशन माना जा सकता है, लेकिन वो सारी चीजें भी थ्योरेटिकल है ना, उसको विजुलाइज नहीं करते हैं। स्पेस टाइम होता है ना थ्री डायमेंशन, क्या चीज? स्पेस टाइम होता है ना फोर। हां स्पेस टाइम होता है, स्पेस टाइम। स्पेस टाइम मतलब वो टाइम को ही, टाइम मतलब स्पेस और टाइम का जो वेरिएशन है, स्पेस तुम्हारा 3D में आ गया और टाइम वो जो है एक डायमेंशन निकाल दिया उसने, फोर डायमेंशन। सर एक ऐसा चेंजेस तो होंगे लोकेशन पे, मतलब हाइपोथेटिकली अगर हम लोग फोर डायमेंशन में होते तो क्या होता? तो दे वर सेइंग कि अभी हम थ्री डायमेंशनल में, तो जो हमारे शैडोज है वो टू डायमेंशनल रहते, तो अगर हम कभी फोर डायमेंशन में जाए तो हमारे जो शैडोज रहेंगे वो थ्री डायमेंशनल रहेंगे। बिल्कुल, इसको मैथमेटिकल वर्ड जो है उसका प्रोजेक्शन है। सो फिर मैंने फाइनमैन में पढ़ा था, फाइनमैन लेक्चर। हां प्रोजेक्शन ऑफ अ 4D ऑब्जेक्ट विल बी ऑब्वियसली अ 3D ऑब्जेक्ट। भाई तो अब पता नहीं है, अब देखो ये सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग हटेंगे नहीं, सब अपना जो पढ़ रहे हैं उस पर रहो। ठीक है, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, और अगर इससे में हम आगे का पैटर्न देखें, अमेरिका से लिखने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगला क्या आएगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, व्हिच मींस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4, इस तरीके के कॉम्बिनेशंस। सर ऐसे तो nth कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे सर, बिल्कुल n फॉर्मूले बनेंगे, एंड दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम। सर मतलब डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, न्यूमेरेटर में एक बार और नेगेटिव हो जाएगा एंड साइन ऑपोजिट हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो माइनस ए एन माइनस 3 अपॉन ए एन आ जाएगा, और ये फॉर्मूले कंटिन्यूएशन में आएंगे ऑब्वियसली, ऐसे एन फॉर्मूले आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे एन फॉर्मूले आने वाले हैं, और जो लास्ट फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टेकिंग ऑल, दैट मीन्स प्रोडक्ट, फाइनली आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
यानी कि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड सो ऑन टू अल्फा एन. टेल मी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा. ये तो कंफर्म है जो कांस्टेंट टर्म है a नॉट अपॉन a 2 - 1 / n. यहाँ पे साइन डिसाइड करने में जरूर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बिकॉज ये तो हम देख रहे हैं पैटर्न की माइनस प्लस आ रहा है. माइनस पहले माइनस आया दूसरे प्लस आया फिर माइनस आया प्लस और माइनस और फिर प्लस आया. तो यहाँ पर तुमने नोटिस किया होगा जो क्वाड्रेटिक थी उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट था सिंपली सी बाई ए प्लस सी बाई ए. बट जो क्यूबिक है उसमें अभी नोटिस किया होगा कि यहाँ पे आंसर में माइनस आया. अल्फा बीटा गामा इज माइनस डी बाई ए राइट. तो क्यों ऐसा हुआ बिकॉज अगर इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा अगर ऑड है तो नेगेटिव आएगा. सो टू राइट दिस उसने बोला माइनस वन पावर एन. माइनस वन पावर एन डज व्हाट इफ एन इज इवन माइनस वन पावर इवन विल बिकम प्लस वन एंड माइनस वन पावर ऑड विल बिकम माइनस वन. तो अपने आप ये नेगेटिव साइन आ जाएगा अगर मुझे होगा है ना. तो ये है हमारे वेतास फॉर्मूला. वेतास फॉर्मूले का यूज डेफिनेटली है ये पता होना चाहिए काफी यूजफुल हो सकते हैं क्वेश्चंस में. सर हाँ तो फिर मतलब ये जो सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ जितने भी टाइप के पॉलीनोमियल्स में है उन सबको वेतास फॉर्मूला कहते हैं. हाँ ये सारे ये जो मैंने लिखा ये वेतास फॉर्मूले ही है. अरे वो गलत होगा ना. एन इवन पे पॉजिटिव आना चाहिए. अगर एन इवन है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव आना चाहिए. तुम्हें अगर चाहिए तो n की जगह पे n माइनस 1 लिख दो. कोई फ्यूचर में केस बनता है ऐसा तो हाँ हाँ तो n की जगह पे n माइनस 1 लिख दो. भाई अगर n इवन है तो n माइनस 1 ऑड हो जाएगा तो अपने आप नेगेटिव साइन आ जाएगा है ना. n माइनस 1 n प्लस 1 यूज कर लो n की जगह पर. ठीक है अब देखो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं. ऐसे मान लो आई हैव अ क्यूबिक x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0. ये क्यूबिक है इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा. और कुछ बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस तुमने स्टार्टिंग में क्वाड्रेंट लगाए थे मैं वैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ. मान लो पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. कैसे फाइंड करोगे इसको. सर अल्फा बीटा गामा होल स्क्वायर माइनस टू फाइंड माइनस टू अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. परफेक्ट परफेक्ट. वेतास फॉर्मूले अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास. वी हैव अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विच इज थ्री. देखो माइनस प्लस मैंने दिया इस तरीके से सारे पॉजिटिव आएंगे एंड अल्फा बीटा गामा विल बी इक्वल टू प्लस फोर. माइनस ऑफ माइनस फोर प्लस फोर हो जाएगा. कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 1 रखा है तो इसलिए प्रॉब्लम है नहीं. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है हमारे पास. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है हमारे पास और अल्फा बीटा गामा भी है हमारे पास. सो आई थिंक अब तुम्हें जो आगे की अलजेब्रा है वो तुमने बताई दिया कि अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालना है सो आई हैव दिस आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. तो ये जो है और ये जो है हमको पता है तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकाल सकते हैं और देखते हैं क्या आता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. टेल मी क्या आ रही है इसकी वैल्यू. सो माइनस 2 माइनस माइनस 2 नाउ हाइड दिस होल थिंग ऑलराइट एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू अ वेरी गुड क्वेश्चन जो एडवांस क्या हो सकता है केवी द वैल्यू लेवल का इमेजिनरी है. पहुंच गया वहां पे. गुड. रूट्स नेचर ऑफ रूट्स क्या है. रूट्स का नेचर क्या है इस क्यूबिक का. आई वांट यू टू कमेंट ऑन दीज थ्री रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा. आई वांट यू टू टेल मी वेदर दीज थ्री रूट्स आर रियल ऑल आर इमेजिनरी. वन इज रियल टू इमेजिनरी दो इमेजिनरी
दो इमेजिनरी और एक रियल, तीनों इमेजिनरी क्यों नहीं है सर? क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे ना अगर, तो उसके लिए फोर होने चाहिए। अकेला नहीं रह सकता। हाँ। जो भी इमेजिनरी रूट्स है वो कॉन्जुगेट पेयर में आती है, ये बात मैं अभी दिखाऊंगा। तो जो इमेजिनरी रूट्स है हमेशा पेयर में रहती है, तो जो इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी रूट्स का जो नंबर है वो हमेशा इवन होना चाहिए। सो वी कैन नॉट से दिस क्यूबिक हैज थ्री इमेजिनरी रूट्स बिकॉज ऑल कोएफिशिएंट्स आर रियल, इट कैन नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। बट अब क्वेश्चन ये है कि इमेजिनरी रूट है कि नहीं है। Look at this. Alpha square plus beta square plus gamma square is negative. Sum of three real numbers, square of three real numbers can never be negative. Agar socho teeno roots real hoti, to unka square ka sum negative kabhi nahi aa sakta tha. To ye confirm kar raha hai ki yahan pe kuch imaginary to hai. Aur hame pata hai ki ek to ho nahi sakta, teen ho nahi sakte. To imaginary kitne hain? Do hain. So definitely this cubic has two imaginary roots and one real root. Very nice. Alpha square plus beta square plus gamma square निकाल लिया. Okay. Tell me how will you find alpha cube plus beta cube plus gamma cube? ये कैसे find करोगे बताओ? Sir, alpha और beta को एक variable plus gamma cube minus 3 alpha beta gamma. X plus gamma whole cube ऐसा करके. अभी इसको डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेट मेथड, बट एक बार इससे आंसर निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है इस क्वेश्चन में? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इट इज 2, सो 2 इनटू दिस इज माइनस 2 एंड माइनस कॉमन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा 3 एंड प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा विच इज 4। ओके, कितना आ गया भैया? माइनस 10 प्लस 12 प्लस 2, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज प्लस 2। परफेक्ट। बट कैन यू टेल मी अनदर मेथड, एक और मेथड सोच कर सकते हो टू फाइंड दिस विदाउट यूजिंग एनी सच फॉर्मूला? मतलब तुम्हें यह फॉर्मूला पता है, मुझे पता है, और इससे तुमने आंसर निकाल लोगे, हमेशा निकाल लोगे। बट जो जिस टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ, भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पूछा होता, सपोज अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस गामा 4, अभी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अल्जेब्रा की हेल्प से स्क्वायर को स्क्वायर कर लोगे सर। यस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर करो तो उसमें अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस गामा पावर 4 मिलेगा। बट उसके बाद जो टर्म्स आएंगे वो क्या होंगी? 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो उसको फिर अलग से निकालना पड़ेगा। कैसे? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर करके। तो काफी लेंथी हो जाएगा, ये बहुत लेंथी होगा। बीटा बिफोर इक्वेशन में एंड देन उन तीनों इक्वेशंस। हां भाई सर, दोनों को तीनों को इक्वेट कर देंगे अल्फा बीटा गामा। सो अगेन डोंट फॉरगेट जो मैंने क्वार्टिंग बताया था, इट्स नॉट वेटास फार्मूला ओनली, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, और ये चीज बहुत यूजफुल हो सकती है। अल्फा बीटा गामा तीनों इस क्यूबिक को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर तीनों उस क्यूबिक को सेटिस्फाई करेंगे, लेट्स गो फॉर एन अल्टरनेट मेथड, जो थोड़ा सा इट विल अपीयर टू बी लेंथी बट इट विल बी वेरी यूजफुल इन यू नो फॉर हायर पावर्स। अल्फा पावर 5, बीटा पावर 5, गामा पावर 5 निकालने बहुत यूजफुल हो सकता है। और इन फॉर्म जो मैं लिख रहा हूँ इसी को न्यूटन्स फॉर्मूले बोलते हैं, यही न्यूटन्स फॉर्मूले है। तो करना क्या है कि भाई अल्फा बीटा गामा इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अल्फा सब्स्टिट्यूट किया, अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0, बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, गामा क्यूब माइनस 2 गामा स्क्वायर प्लस 3 गामा माइनस 4 इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन फॉर्म होगी विदाउट एनी एफर्ट, हमने बस अल्फा बीटा गामा को सब्सटीट्यूट किया है। और अगला स्टेप क्या है तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ।
है ना, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। नाउ टेक माइनस टू कॉमन, और देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जो हम निकाल चुके हैं, इट इज माइनस टू प्लस थ्री टाइम्स, यहाँ देखो क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट इज टू, तो यहाँ पे टू आ गया, और ये हो गया माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर माइनस टू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इट इज टू। फाइन, अब ये बेटर क्यों है, मतलब मैं दिखाता हूँ, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि मान लो क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर फोर प्लस बीटा पावर फोर प्लस गामा पावर फोर, हाउ दीज थ्री इक्वेशंस विल बी यूजफुल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अल्फा पावर फोर प्लस बीटा पावर फोर प्लस सर एक से मल्टीप्लाई कर देंगे ओरिजिनल इक्वेशन और फिर वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या इन शॉर्ट हमने इस इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस इक्वेशन को गामा से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक बार फिर से हमने इसको ऐड कर दिया। तो अगर मैंने ऐसा किया तो क्या आएगा, अल्फा पावर फोर माइनस टू अल्फा क्यूब प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा इक्वल टू जीरो, बीटा पावर फोर माइनस टू बीटा क्यूब प्लस थ्री बीटा स्क्वायर माइनस फोर बीटा इक्वल टू जीरो, एंड गामा पावर फोर माइनस टू गामा क्यूब प्लस थ्री गामा स्क्वायर माइनस फोर गामा इक्वल टू जीरो। और तुमने देखो इसको ऐड कर दिया, ये तुमने ऐड किया, तो अल्फा पावर फोर प्लस बीटा पावर फोर प्लस गामा पावर फोर, ये हमको निकालना है, माइनस टू टाइम्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब हम निकाल चुके हैं पहले ही, टू थ्री कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज क्या था, ये माइनस टू, इट इज माइनस टू, एंड यहाँ देखो माइनस फोर कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टू था, और खत्म, मिल गया अल्फा फोर बीटा फोर गामा, बट ऑब्वियसली इसलिए इजीली मिल गया बिकॉज हम, हाँ सर अगर सोचो कि कोई जैसे अल्फा अल्फा पावर फाइव अल्फा बीटा पावर फाइव और गामा पावर फाइव है, उसमें क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ अगर अगर हम लोग को ऐसे नहीं दिया कि अल्फा पावर फोर बीटा पावर फोर इसका वैल्यू दिया नहीं दिया और अल्फा क्यूब की भी वैल्यू नहीं दी, बिल्कुल तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पहुंचना पड़ेगा, तुम्हें अगर अल्फा पावर फाइव तक पहुंचना है तुम्हें पहले अल्फा पावर फोर तक निकालना पड़ेगा, बात सही है, लेकिन वो निकालना देख रहे हो उसमें कुछ ट्रिक नहीं है, बस लिखते जाओ ऐड करते जाओ आंसर आता जाएगा। यहाँ पे देखो आंसर क्या आ गया, माइनस फोर माइनस सिक्स इज माइनस टेन और माइनस एट, एटीन आ गया ना आंसर, तो ये इसमें जरूर हम थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा कि हम बार बार निकालेंगे, लेकिन कुछ ट्रिक नहीं रहेगी ना, हमें सोचना नहीं है कि किसका स्क्वायर करना है किसका क्यूब करना है कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है, बस उन इक्वेशंस का यूज कर लो, है ना, एक एक रिलेशन बना देता हूँ जो न्यूटन्स फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ क्या है, यहाँ पे क्या करो इस पूरी इक्वेशन में अल्फा पावर n माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो, इस पूरी इक्वेशन में बीटा पावर n माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो, और इस पूरी इक्वेशन में गामा पावर n माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, अल्फा पावर n माइनस थ्री इंटू अल्फा क्यूब, देखो यार क्या बन जाएगा, यहां पे आ जाएगा अल्फा पावर n माइनस टू अल्फा पावर n माइनस वन प्लस थ्री अल्फा पावर n माइनस टू और माइनस फोर इंटू अल्फा पावर n माइनस थ्री, ठीक है ना, सिमिलरली बीटा पावर n माइनस टू बीटा पावर n माइनस वन प्लस थ्री बीटा पावर n माइनस टू माइनस फोर बीटा पावर n माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, गामा पावर n माइनस टू गामा पावर n माइनस वन प्लस थ्री गामा पावर n माइनस टू माइनस फोर गामा पावर एन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, लेट्स कॉल दिस सम एस एन। और तुमने अगर ध्यान दिया हो एक क्वालिटी वाले असाइनमेंट में ऐसा एक क्वेश्चन था, एस एन इसको बोलता हूं मैं, अगर पावर एन माइनस वन का सम हो रहा है लेट्स कॉल दिस एस एन माइनस वन, लेट्स कॉल दिस एस एन माइनस टू एंड लेट्स कॉल दिस एस एन माइनस। अब तुमने एक फॉर्मूला बना लिया राइट, और ये फॉर्मूला इट विल बी ट्रू For all n greater than equal to 3, हमेशा काम करेगा। अब सपोज तुम्हें तुम्हें निकालना है, तुमने भी पूछा ना तुम्हें तुम्हें S5 निकालना है, S5 का मतलब क्या होगा, अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 प्लस गामा पावर 5 फाइंड करना। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड एस फाइव, तुम देख रहे हो तुम्हें n को 5 रखना पड़ेगा, n को तुम 5 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा 2,
obviously S5 nikalne ke liye you need S4, you need S3 and you need S2. Again, agar mujhe S4 nikalna hai, I need S3, I need S2, I need S1. S1 is already there. If I need S3, agar mujhe S3 nikalna hai, I will put N equal to 3 and I will get S2, S1 and S0 ka matlab kya hua? S0 ka matlab ho gaya alpha power 0 plus beta power 0 plus gamma power 0, which is always 3. So step by step, tum is formula ka use karke aise kisi bhi question ko solve kar sakte ho. Hai na? To ye kisi bhi algebra ki trick se better hai. इतनी लेंथी कैलकुलेशंस क्यूबिक तक तो ठीक है, बट अगर पावर्स बढ़ी, वन सेकंड, अगर पावर्स इंक्रीज होती हैं तो फिर डेफिनेटली ये यूजफुल हो सकता है. बट इतना सब कुछ बोलने में मैं तो बता दूं कि जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे. ऐसे ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो केवीपीवाई के लिए, केवीपीवाई में ऐसे क्वेश्चन जो नीचे मैंने लिखा है, मैंने एग्जैक्टली फॉर्मूला तुम्हें बताया नहीं. फॉर्मूला तो एबीसी की टर्म्स में होगा. मैंने तुम्हें केवल बताया कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ. फॉर्मूले का है ना, फॉर्मूला न्यूटन ने बनाया, जिसने बनाया वो फॉर्मूला बनाया कैसे. सिंपली उस इक्वेशन में अल्फा पावर समथिंग से मल्टीप्लाई किया और टर्म्स को ऐड कर दिया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा. और इसकी हेल्प से तुम अल्फा बीटा गामा की, हाँ सर, ये तभी वर्क करेगा ना जब कोएफिशिएंट्स एकदम मतलब सिमेट्री में हो. जैसे इधर सर कुछ भी होते हैं. लेट्स टेक, वही मैंने कहा ना कि मैंने एक ऐसा एग्जांपल मैंने अपने एग्जांपल में कर दिया. अब तुम जो कह रहे हो, मान लो ये ए होता, यहाँ पे बी होता, यहाँ पे सी होता और यहाँ पे डी होता, तो क्या फर्क पड़ता है? चेंज होके यहाँ पे ए बी सी डी तो आता. कोएफिशिएंट से क्या फर्क पड़ता है? फॉर्मूला तो हमेशा बनेगा ना यार, ए बी सी डी. ये लो, ये किसी भी क्यूबिक में वर्क करेगा. ए टाइम्स एस एन प्लस बी टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस सी टाइम्स एस एन माइनस टू प्लस डी टाइम्स एस एन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो. बन गया फॉर्मूला सर, बस एन माइनस की डिग्री से मल्टीप्लाई करना. यस, एन माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दो. You will get this formula. ठीक है? तो ये बेटास फॉर्मूले है और इस पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं केवीपीवाई के इस पर बेस्ड. सर ये वाला टॉपिक क्वाड्रेटिक के चैप्टर में क्यों? ये वाला टॉपिक मतलब ये एक्सटेंडेड क्वाड्रेटिक का, ऑब्वियसली हाई डिग्री पॉलीनोमियल पे जा रहे हैं जो कि जेई में नहीं है, जेई के सिलेबस में नहीं है, बट बाकी सारे एग्जाम्स में केवीपीवाई, ओलंपियाड्स, हर जगह. तो थोड़ा केवल मैं पूरा पॉलीनोमियल्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर. मैं केवल बेसिक बता रहा हूँ जितना रिलेटेड है क्वाड्रेटिक से, मतलब क्वाड्रेटिक को भी समझो हमने एक्सटेंड किया उतना ही. ठीक है? सो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक केवीपीवाई का क्वेश्चन. तुम उसको अपने आप सोचो कैसे करोगे. जैसे यहाँ पर मान लो एक क्वेश्चन दिया, ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इक्वल्स टू जीरो. ठीक है? देन टू ए बी प्लस सिक्स बी सी प्लस थ्री ए सी इक्वल्स टू माइनस सेवन. ठीक है? एंड ए बी सी इज माइनस वन, ए बी सी इज माइनस वन. Find ABC. Find ABC. मैंने क्वेश्चन भी बनाया है, बट ऐसा सिमिलर क्वेश्चन केवीपीवाई में आ चुका है. Tell me what will be your approach? We have three equations and we have three variables, so everything is justified. Don't run away. ये जो गधे भाग रहे हैं, इन गधों को बताओ कि क्या बताया, परेशान हो गया. अच्छा ठीक है, इसको भागना है, भाग जाओ. सर ए माइनस वन है, बी माइनस वन है और सी वन. सर ए माइनस वन है, बी माइनस वन है, सी वन है. अभी यार रिटन ट्रायल से ही हो गया. मैंने कहा ना, मैंने क्वेश्चन बनाया है तो जो एक्चुअल क्वेश्चन होगा उसमें वैल्यूज इतनी अच्छी नहीं होगी, तो मैं इसलिए नहीं.
मैंने डेटा लगा सकते हैं सर, इससे क्यूबिक बना सकते हैं ना सर, ये सम ऑफ रूट्स है। यस, जो मैं डिस्कस करना है वो ये सीरियस करना है कि यहाँ पर डेटा कुछ भी हो, 0 माइनस 7 माइनस 1 हटाकर, इरेशनल रैशनल कुछ भी हो, लेट इट बी सपोज यहाँ पे वेरिएबल्स होते पी क्यू आर। मेरा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अप्रोच क्या हो सकता है, दैट आई कैन थिंक ऑफ अ क्यूबिक, एक ऐसा क्यूबिक पॉलीनोमियल जिसकी रूट्स हो, क्या रूट्स हो भाई, ए टू बी एंड थ्री सी। अगर एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन सोची जाए जिसकी रूट्स हो ए टू बी एंड थ्री सी, तो वो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी? देखो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन तुमने जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ा था बिल्कुल वही चीज है, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू एक्स एंड माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। ये वहीं से आया, देखो ना ये माइनस बी बाई ए है, सी बाई ए है और ये मल्टीप्लाई करके सिक्स है, क्या फर्क पड़ता है ना। सो थिंक ए टू बी एंड थ्री सी एज अल्फा बीटा एंड गामा, मान लो ये अल्फा है ये बीटा है और ये गामा है, एंड नाउ वे आर गोइंग टू फॉर्म अ क्यूबिक। अरे ए जो भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, ए बी सी की वैल्यूज हमें निकालनी है, तुक्के से नहीं, क्योंकि जो जो एक्चुअल क्वेश्चन के पेयर में आएगा उसमें यहाँ पे बहुत गंदी वैल्यूज होंगी, इतने आराम से तुक्का मार के निकाल नहीं पाओगे। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया हुआ है, जीरो। सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ टू ए बी, बीटा इंटू गामा क्या हुआ सिक्स बी सी, अल्फा इंटू गामा क्या हुआ थ्री ए सी, सब कुछ सही है, माइनस सेवन इंटू एक्स। और अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, अगर मैंने इसको अल्फा बीटा गामा अज्यूम किया है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हुआ 6 एबीसी, यहाँ पे एबीसी दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड्स इट विल बी माइनस 6 इक्वल टू एंड दिस इज एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब मुझे इस क्यूबिक की रूट्स निकालनी है, और क्यूबिक की रूट्स निकालने का जो तरीका है अभी तक तुमने सीखा है वो हिडन ट्रायली ऑब्वियसली, लेकिन वो हिडन ट्रायली यहां बहुत सिंपल है क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 इसकी एक रूट है, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो ऑब्वियसली x minus 1 विल बी अ फैक्टर, और डिवाइड करके यू कैन गेट अ क्वाड्रेटिक x स्क्वायर, और यहां पे आएगा माइनस 6 सॉरी ओके और यहां पे आएगा प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। सो यहां से देखो तुम्हें तीन रूट्स मिल गई हैं, तीन रूट्स क्या आ रही हैं, 1 और क्या है रूट 2 and 3 आएगा ना, 1, 2 and -3 2 and -3 यस 1, 2 and -3 तो ये तीन आंसर आ गए, ये हमारे अल्फा बीटा गामा आ गए, बट इसमें से कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है और कौन सा गामा है ये कैसे पता चलेगा, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इज इट रिक्वायर्ड, आई मीन देखो चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा क्या है, अल्फा ए है, बीटा टू बी है और गामा थ्री सी है, ठीक सर, थोड़ा ऑब्वियस नहीं है ये, एक नहीं 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 ऑब्वियस नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है, ये एक सोल्यूशन है, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 सी इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा 1, 2, -3। बट क्या हम इनको स्विच नहीं कर सकते, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो 2 है वो ए हो जाए, ए इक्वल टू 2, ये जो 2 बी है वो 1 हो जाए, यानी बी इक्वल टू हाफ और 3 सी जो है वो वही रहे, मतलब सी इक्वल टू माइनस 1, इज इट नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बताओ मुझे सर, है तो बिल्कुल है यार। अरे ये तीनों रूट्स जो है वो ये तीनों वैल्यूज हैं, अब कौन सी वैल्यू किसको असाइन करनी है तो हमारे ऊपर है ना, हम किसी को भी कर सकते हैं। तो अब तुम समझो, तुमने जो तुक्का मारा तुमने एक आंसर निकाला,
वन वन माइनस वन तुमने तुक्के से निकाल लिया, बट क्या यहाँ पर एक ही आंसर पॉसिबल है? नहीं, बताओ यहाँ पे कितने आंसर्स पॉसिबल हैं? हाउ मेनी डिफरेंट आंसर्स आर पॉसिबल? इनफाइनाइट क्यों नहीं? सिक्स सिक्स आंसर्स आर पॉसिबल, यस सिक्स आंसर्स पॉसिबल, इनफाइनाइट नहीं होंगे क्योंकि ए के पास कितनी वैल्यूज है लेने के लिए? अब थोड़े पीएनसी आ गए, ए के पास तीन चॉइसेस हैं, वो वन हो सकता है, वो टू हो सकता है, वो माइनस थ्री हो सकता है, तो ए के पास तीन चॉइसेस हैं। अब ए को तुमने कोई एक चॉइस दे दी तो फिर टू बी के पास कितनी चॉइसेस है? दो। और जब तुमने ए और टू बी दोनों को चॉइसेस दे दी तो थ्री सी के पास एक ही चॉइस बचती है, मल्टीप्लाई दीज थ्री एंड यू गेट सिक्स। We have six choices for alpha, beta and gamma. Sir, PNC लग गए इसमें तो। PNC लग गए, yes. तो उसके six answers possible हैं, जिनमें से एक answer तुम दे पाए। अब जो KBPY question था, वहाँ पर एक और information थी, ऐसे कुछ कि A less than B less than, ऐसा कुछ दिया हुआ था। वो मतलब कुछ ऐसा condition दिया हुआ था कि उस six में से केवल एक ही answer correct होता। मतलब वो तुम्हें judge करना पड़ता है कौन सा सही होगा, A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो उस हिसाब से उसको मैनिपुलेट करना पड़ता। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर तुम्हें दिखे KBPY में इस तरीके का, जहां पर तीन इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल्स, तो एक बार जरूर एक क्यूबिक बनाने की कोशिश करना, इस तरीके से सोचना, क्वेश्चन सॉल्व होगा डेफिनेटली और जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है? Yes. तो ये था वेदास फॉर्मूले और वेदास फॉर्मूले पर बेस्ड KBPY के क्वेश्चन। जेई में तो बता ही सकता, जेई में कुछ आता ही नहीं। सुन रहे हो भाई? सर मुझे लगा था जेई बहुत टफ होता और मतलब ऐसे ही करना है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट का एग्जाम है, क्वाड्रेटिक बना के फिर। सर हमने पहले मतलब दिख रहा था इस इक्वेशन में, तो दिख रहा था कि मतलब वन से हो जाएगा। सर ऐसा है कोई इक्वेशन आज इसमें मतलब दिख नहीं रहा, तो मतलब का हार्ड टाइप का। अब अगर तुम क्यूबिक की रूट्स निकालने का तरीका मुझसे पूछ रहे हो तो बता तो सकता हूँ, लेकिन पता नहीं यार मुझे, जब लोग भागते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है कि मैं कुछ। सर क्यूबिक फार्मूला भी होता है बट वो बहुत लंबा होता है। क्यूबिक फार्मूला मैं डिराइव करके दिखा दूंगा अभी, और कुछ लंबा नहीं है वो फार्मूला, लंबा है उसको निकालना बड़ा आसान है, बट प्रॉब्लम यह है कि जो लोग भागते हैं ना वो थोड़ा सा मेरा खुद का मोरल डाउन हो जाता है कि मैं आगे ना बढ़ाऊँ, इसलिए वही है ना कि अब जो एब्जॉर्ब कर पाए उसके लिए ठीक है, जे के आगे जाने का मतलब नहीं है, ठीक है? एक्स्ट्रा क्लासेस हैं हमारे पास आरएमओ के लेक्चर से, उसमें बताऊंगा कि कैसे क्यूबिक रूट्स निकालते हैं। फॉर्मूला मतलब अप्लाई करके यूजफुल होता है क्या? नहीं, क्यूबिक फॉर्मूला इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि यूजफुल नहीं है। क्यूबिक फॉर्मूले से आंसर तो आता है, बट उसमें जो आंसर आता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आता है, यानी उस आंसर को सिंप्लीफाई करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट क्यूबिक फॉर्मूला होता है। और ये भी इसका भी प्रूफ है कि कोई 5 डिग्री पॉलीनोमियल का कोई फॉर्मूला बन नहीं सकता, इसका भी इसका एक प्रूफ है, मतलब एक स्टेटमेंट है, कंजेक्चर नहीं है, मतलब एक स्टेटमेंट है दैट फॉर एवरी 5 डिग्री पॉलीनोमियल वी कैन नॉट हैव अ फॉर्मूला। क्यूबिक तक फॉर्मूला है बट 5 डिग्री नहीं हो सकता, इसका प्रूफ भी। तो क्यूबिक वाला जो फॉर्मूला है वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि उसको डिराइव करने का जो तरीका है बड़ा आसान है, तो उसको कभी डिस्कस करेंगे किसी स्पेशल क्लास में करेंगे उसको, ठीक है? सर उस फॉर्मूले का जेई में यूज नहीं है। नहीं, सिंपलीफाई करना छोड़ो, उसका जो क्यूब रूट है ना उसके अंदर मतलब तुम्हारा आंसर रियल भी आ रहा हो फिर भी उसके अंदर इमेजिनरी टर्म्स आ सकती है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो बहुत गंदा हो सकता है। इसलिए क्यूबिक फॉर्मूला जो है वो डाल सकते थे 11 12 सिलेबस में, बट नहीं डाला जाता है क्योंकि वो उतना यूजफुल नहीं, उतना अच्छा नहीं है। चलो तो ये था हमारा वेदास फॉर्मूला, और मैंने एक छोटे मोटे एग्जाम्पल तुम्हें बता दिया, न्यूटन्स फॉर्मूला बता दिया, एक केवल हिंट दिया, मैंने कोई ओलंपियाड का मटेरियल नहीं बताया, ओलंपियाड में तो बहुत कुछ है, मैंने केवल बताया कि न्यूटन्स फॉर्मूला जो है उसका बेसिस क्या है, अल्फा पावर एन माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने तुम्हें बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो सोचने की अप्रोच क्या होगी, अगर तीन इक्वेशन हैं तीन वेरिएबल्स हैं तो क्यूबिक बना लो जिसकी रूट्स हैं वो, और उसके बाद आंसर आ जाएगा। अब इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो बेसिक मैथ्स आते हैं जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी,
जो मैंने ज्योमेट्री बताई थी तो यहाँ पर एक चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स और उसमें ज्योमेट्री क्वेश्चन आ सकते हैं. हालांकि वो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री नंबर थ्योरी आती है, नंबर थ्योरी नहीं आती है, नंबर थ्योरी जी भी नहीं आती है. बट अब हर साल मैं बोलता हूँ लेकिन एक दो क्वेश्चन नंबर थ्योरी के आ चुके हैं. अब तुम उनको मना नहीं कर सकते ना यार. तुम कहोगे हमारे सिलेबस में नहीं है, वो कहेंगे तुमने नाइन्थ टेंथ में पढ़ा है नंबर थ्योरी, तुम कैसे बोल सकते हो. तो उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, वो दे सकते हैं. 2006-07 में मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, पीएनसी बेसिस में नंबर थ्योरी लग रही है. तो नंबर थ्योरी का क्वेश्चन इसीलिए कवरेज ऐसी होनी चाहिए, कुछ छूटे ना. एक्स्ट्रा पढ़ लो भले ही, है ना, एक्स्ट्रा पढ़ लो, क्या दिक्कत है भाई. एक सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें जेई एडवांस तैयारी करनी है तुम्हें एडवांस एंड बियॉन्ड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. तुम एडवांस तक प्रिपरेशन तब करो जब तुम्हारा टारगेट जेई मेन. सर तो फिर हम ईजेनस्टीन्स का भी पढ़ेंगे क्या? ईजेनस्टीन्स थ्योरम. कौन सी थ्योरम सर? ईजेनस्टीन के कोई थ्योरम है सर. ईजेनस्टीन एक महीना घर में बैठी है ऐसे लॉकडाउन में रूम में और श्रीमान हाइपोथेसिस प्रूव या डिसप्रूव कर दीजिए, आपसे तो हो भी जाएगा सर. श्रीमान हाइपोथेसिस नहीं यार, मैं ट्राई किया नहीं हुआ यार, कोशिश तो बहुत किया मैंने. रेमान मैंने ट्राई किया, उस पर काफी एक्सप्लोर भी किया लेकिन हुआ नहीं. पता नहीं क्या है, बट आपसे मेरे पास बहुत ही स्टैंडर्ड डिग्री है भाई. अभी उसके लिए मास्टर्स कर रहा, मास्टर्स की मैथमेटिक्स मैंने पढ़ी, कोई बहुत खास नहीं थी, वो भी कवर की. फिर अब उसके लिए पीएचडी से करना पड़ेगा, तब जाके हम शायद उस लेवल पर सोच पाएंगे, है ना. रेमान ईमान बहुत बड़े लोग हैं यार, उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है. लेकिन अच्छा है तुम ये सब चीजें देख रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. इसी से क्यूरियोसिटी बढ़ती है, इसी से इंटरेस्ट बढ़ता है, तो अच्छा मजा आता है सब देखने में. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सर्कल बनता है. सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, तो फिर वो एक और जो अंदर सर्कल है वो मोशन करता है, लाइक उसके सर्कल. हाँ. आपने डिस्कस किए थे वो जो मैंने डिस्कस, वो पैराडॉक्स ड्रैग वाला, वो प्योर रोलिंग और ड्रैगिंग वाला. नहीं नहीं सर, वो वाला नहीं है. अच्छा वो उसमें तो नहीं देखा मैंने. साइन वेव और कॉस वेव बन रही थी उनके मोशन की वजह से, मैंने वो देखा था. उसका लोकस की बात कर रही होगी ना, उसमें लोकस बन रहा होगा. कौन सा चैनल बोल रहे हैं? कौन से चैनल? नंबर फाइल. ओके हाँ, अब मैं आगे जो तुम्हें बता रहा हूँ वो रिलेटेड है नेचर ऑफ रूट्स. जैसे तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही. तो सपोज हमारे पास एक n डिग्री पॉलीनोमियल है, a n x पावर n, a n माइनस वन x पावर n माइनस वन, सो ऑन टू a नॉट इक्वल टू जीरो, वेर ऑल कोएफिशिएंट्स आर a नॉट a वन सो ऑन टू a n आर रियल. देन अभी हमने जो चीज डिस्कस की मैं एग्जैक्टली वही बात कर रहा हूँ. नंबर ऑफ रूट्स कितनी होनी चाहिए? ऑब्वियसली n होनी चाहिए. अगर a n इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये n डिग्री का पॉलीनोमियल है तो उसकी रूट्स तो n है. What can we say about number of real roots? Number of real roots कितनी होगी इस polynomial की? उसके ऊपर क्या comment कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि सारी की सारी real roots हो, n real roots हो. कहाँ से आते हैं? क्यों आते हैं? क्यों बोला तूने infinite? नहीं. अगर n नहीं 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 infinite infinite. अगर टोटल तेरे पास n रूट्स हैं, तो उसमें इनफिनिट रियल रूट्स हैं? नहीं नहीं, कैसे हो सकता है ऐसा? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इवन है तो सारे रूट्स भी इमेजिनरी भी हो सकते हैं. इसमें कुछ केसेस बना रहे हैं. हाँ, ऑड होगा तो एक बच जाएगा. जैसे मान लो मेरे पास एक 7 डिग्री का पॉलीनोमियल है, x पावर 7 प्लस समथिंग समथिंग कुछ है ऐसा.
और मैं तुम्हें कहूँ तुम गेस करो किसकी रियल रूट्स कितनी ऑप्शंस है हमारे पास मैक्सिमम जीरो वन टू मैक्सिमम बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल गेस करने की बात कर रहा हूँ तुम्हें गेस करना है इसमें से क्या गेस करना सही है और क्या नहीं सही ये बताओ मुझे नंबर ऑफ रियल रूट्स जीरो गलत है सर जीरो तो गलत ही है सर फाइव सर जीरो गलत सर वन हो सकता है सर टू भी गलत है जीरो भी गलत है टू भी गलत है उसका रीजन ये है कि अगर हम बोलते हैं कि जीरो रियल रूट्स हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि बची हुई जो सेवन है वो इमेजिनरी है और सेवन इमेजिनरी नहीं हो सकती बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया था दैट इमेजिनरी रूट्स विल अकर इन अ कॉन्जुगेट पेयर सर आंसर सेवन है क्या अरे भाई आंसर वन भी है आंसर फाइव भी है आंसर सेवन भी है कुछ भी हो सकता है पर सर रूट की डिग्री तो सेवन है तो रूट भी सेवन ही होनी चाहिए ना तो सारी रियल होना जरूरी थोड़ी है अच्छा रियल हाँ रियल वन रियल सिक्स इमेजिनरी हो सकता है कॉम्बिनेशन आ सकते हैं ऐसे फाइव रियल टू इमेजिनरी ये भी हो सकता है या फिर सेवन रियल और जीरो इमेजिनरी भी हो सकता है कुल मिलाकर हमको ये बात याद रखनी की जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं तो जो नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स है वो हमेशा इवन होता है तो मैंने जो भी तुम्हें एग्जाम्पल से बताया समझाया उसको अगर स्टेटमेंट लिखा जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी ऑलवेज एन माइनस टू के वेयर के बिलोंग्स टू या के इज अ नेचुरल नंबर या होल नंबर बोल दो हमेशा एन माइनस टू के n-2k रियल रूट्स हो सकती हैं इसमें सारी सारी रूट्स रियल हो जाएंगी नहीं एक मिनट और नंबर ऑफ इसको इससे करेक्ट करते हैं नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स कितनी होंगी भाई नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स जितने भी इवन वैल्यूज हैं हमेशा इवन होंगे सर आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है सर k बिलोंग्स टू w सर w क्या है वो होल नंबर सर अपने पिछला पॉइंट कौन सा लिखा था मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया क्या हुआ आपने इसके पहला कौन सा पॉइंट लिखा था पहले वेदास फॉर्मूला था हां ओके ओके पहला वेदास फॉर्मूला था दूसरा पॉइंट ये okay, यहां okay. पे एक्चुअली के बिलोंग्स टू डब्ल्यू हम नहीं लिखेंगे बिकॉज़ इससे प्रॉब्लम क्या है कि अगर एन ऑड हो गया ना तो ये चीज रॉन्ग हो जाएगी है ना तो के बिलोंग्स टू फिलहाल मैं नेचुरल नंबर लिख रहा हूं लेकिन सारी की सारी रूट्स रियल हो सकती हैं All roots can be real, यानी k belongs to w हो सकता है यानी imaginary roots zero भी तो हो सकती है ना भाई लेकिन सारी roots imaginary, सारी roots कब हो सकती हैं सारी roots real कब हो सकती हैं हर केस में हो सकती हैं राइट मेरे पास समझ में आ रही है अगर मैं कहूँ किसी polynomial की सभी roots real है तो ऐसा हो सकता है ना zero imaginary roots हो सकती है ना बट क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी पॉलीनोमियल की सारी रूट्स इमेजिनरी है वो डिग्री पे डिपेंड करेगा सर इवन डिग्री का पॉलीनोमियल हो तो हो सकता है अगर अगर इवन डिग्री का पॉलीनोमियल है तो ऐसा हो सकता है ना तो इसीलिए ये जो 2k है जब ये n के इक्वल होगा तब ये जीरो हो सकता है नंबर ऑफ रियल रूट्स जीरो हो सकती है बट उसके लिए n को इवन होना पड़ेगा n शुड बी इक्वल टू 2k सही है तो इन शॉर्ट हमने यहां पे ये पढ़ा कि नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स is always even and for odd degree polynomial for an odd degree polynomial number of real roots will be odd and for even degree polynomial number of real roots will be even sir aapne real roots ke liye kaise likha mujhe samajh nahi aaya agar imaginary roots even hai aur total jo roots hai wo bhi even hai to real roots kitni hongi even minus even which is even aur agar total jo roots hai jo n hai wo odd hai तो ऑड माइनस इवन क्या होगा ऑड वही तो लिखा है ये कंफर्म है कि जो नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स हैं वो हमेशा इवन होंगी बिकॉज़ दे विल ऑलवेज अकर इन अ कॉन्जुगेट पेयर
That's it. ठीक है हाँ सर ठीक है थर्ड पॉइंट अब नेचर और रूट्स में रियल और इमेजिनरी के बाद हमने क्या डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक में रैशनल इरैशनल अब यहां पर फिलहाल तो कोई तरीका नहीं है ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेंट देखकर कि बता दो कि रैशनल रूट है या रैशनल रूट है बट एक रैशनल रूट थ्योरम है ठीक है बहुत सिंपल सी है ध्यान सुनना रैशनल रूट थ्योरम पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं उसके बाद हम समझते हैं इट सेज दैट इफ x equals to p by q is a root of a n x power n plus a n minus 1 x power n minus 1 plus so on to a naught equal to 0 where this time a naught a 1 and so on to a n are integers sare coefficients integers and obviously a n is not equal to 0 So if p by q is a root where obviously p and q are also integers and they are coprime which is rational mein hota hai then p divides a naught yani ki the constant term and q divides a n that is coefficient of x power n ab meri baat fir se dhyan se ab main tumhe is statement ko explain kar raha hu dhyan suno ki agar p by q koi rational root hai kisi bhi degree ke polynomial equation ki jiske sare coefficients ye integers all are integers bhai agar lo integers nahi hai matlab 1 by 2 2 by 3 to main lcm leke integer bana sakta hu na तो अगर सारे के सारे कोएफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं और उसकी p by q फॉर्म में कोई रूट है कोई रैशनल रूट है तो ये जो न्यूमरेटर है वो हमेशा डिवाइड करेगा कांस्टेंट टर्म को इसका फैक्टर और जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा डिवाइड करेगा a n को यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n सो बिफोर वी मूव फर्दर क्या इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हो सर एक और बार तो जरा दो लाइन ऊपर स्क्रॉल कीजिए एक मिनट एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना रुक जाओ एग्जांपल के बिना जो है समझना थोड़ा मुश्किल है देखो जैसे ये एक क्यूबिक पॉलीनोमियल ठीक है ये थ्योरम है तो मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि क्यूबिक की रूट्स निकालना या फिर किसी भी हाई डिग्री पॉलीनोमियल की रूट्स निकालना होता है तो हमने हिड एंड ट्रायल यूज किया है पर हिड एंड ट्रायल का मतलब क्या है सर हां टू है रूट सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए और इसके भी ऊपर हां सर हां अरे ज्यादा ठीक है तो ये थ्योरम मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो तुम्हारे हिड एंड ट्रायल है वो लिमिटेड हिट्स होने चाहिए अनलिमिटेड नहीं तुम कुछ भी सोच रहे हो कोई भी वैल्यू उठा के रख रहे हो थ्री रख रहे हो सेवन रख रहे हो रखने की जरूरत नहीं क्योंकि जो हमारे हिट्स होते हैं जो भी हम यहाँ पर हिडन ट्रायल में एक्स की वैल्यूज रखेंगे वो ऑब्वियसली इंटीजर्स रखेंगे या बहुत ज्यादा हो गया तो रैशनल रखेंगे हम इसमें रूट थ्री रूट ऑफ रूट थ्री पाई ये रख के तो चेक करेंगे नहीं क्योंकि उसको रखने का मतलब ही नहीं अब जो हमारे हिट्स हैं हम उसको लिमिटेड कैसे कर सकते हैं यूजिंग दिस थ्योरम यू कैन पुट अ चेक ऑन द नंबर ऑफ ट्रायल्स तुम एक्स की कौन सी वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हो अगर ये थ्योरम सही है अभी हम इसको प्रूव करते हैं बट इसका एप्लीकेशन देखो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पी बाई क्यू फॉर्म की इसकी कोई रूट होनी चाहिए अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ भाई इस क्यूबिक की एक रूट होगी जो रैशनल होगी जो मैं हिड एंड ट्रायल से निकालना चाहता हूँ तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो क्या क्या हो सकती है अभी मैंने कहा कि जो पी है वो कॉन्स्टेंट टर्म का फैक्टर होना चाहिए इट शुड डिवाइड 10 और जो क्यू है 1, 2, 5, 10 और जो q है वो coefficient of x cube यहाँ पे cube है तो coefficient of x cube यहाँ पे 1 है इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जो p है यहाँ पे जो p लिखा हुआ है वो क्या हो सकता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 10 और जो q है वो क्या हो सकता है वो केवल प्लस माइनस 1 हो सकता है
बिकॉज वन के पास केवल दो फैक्टर है प्लस माइनस वन, और टेन के पास हमारे पास 1, 2, 5, 10 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अगर ऐड कर दो तो टोटल 8 फैक्टर्स हो गए। तो जो तुम्हारे हिट एंड ट्रायल से तुम्हारा जो मेथड था हिट एंड ट्रायल का वो अब लिमिटेड हो चुका है, राइट। पी बाई क्यू वाले अगर तुम कॉम्बिनेशन देखो तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ऑब्वियसली वही प्लस माइनस वन से डिवाइड करने वही आएगा, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस फाइव और प्लस माइनस टेन। इन 8 वैल्यूज के अलावा और इसकी कोई रैशनल रूट हो ही नहीं सकती है। तो अगर ये 8 वैल्यूज में से कोई हिट लग गया तो अच्छी बात है, और अगर कोई हिट नहीं लगा तो फिर इसकी रैशनल रूट है ही नहीं। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए, कौन आया था? बट सर ऐसा क्यों होता है वो नहीं पता, बट पता है कि अभी 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 क्यों होता है वो तो ठीक है, लेकिन क्या मेरे मैं जो बोल रहा हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है कि ऑब्वियसली होगा, क्योंकि मतलब अगर हम फाइनल टर्म का अल्फा बीटा गामा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे तो वो तो माइनस वन होल टू पावर एन ए टू पावर जीरो ए जीरो अपॉन ए एन हो जाएगा, तो फिर वैसे ही नहीं। तुम कह रहे हो कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा ना उसको बात कर रहे हो, देखो वो बात तब सही होगी जब बाकी की रूट्स भी इंटीजर्स हों, बिकॉज अगर तुम फैक्टर्स की बात कर रहे हो तो फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए ना, आई मीन बाकी के रूट्स भी रैशनल होने चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि 10 इज 2 इंटू 5, तो एक वैल्यू 2 है एक वैल्यू 5 है, वो क्लियर दिख रही है, बट मैं लिख रहा हूँ 10 इक्वल्स 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, तो हम ये थोड़ा बोल सकते हैं कि रूट 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10। तो जब तुम बोलते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ए नॉट बाई ए एन आता है, तो ये हमको दिख रहा है कि पी जो है वो ए नॉट को डिवाइड करना चाहिए, क्यू जो है वो ए एन को डिवाइड करना चाहिए, ये फैक्ट है, ये बात सही है, लेकिन जो तुम्हारा प्रूफ है वो सही नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता अभी, थोड़ा और कुछ चीजें और हमें यहाँ पर इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी, बट सॉर्ट ऑफ क्लोज है, लेकिन अभी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। बट मोर देन दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई आई हैव टोल्ड यू दिस, दिस इज नॉट बीइंग कभी भी जेम यूज नहीं होगी, बट क्यूबिक की रूट्स तुम्हें गेस करनी पड़ सकती है, और जो गेस होगा तुम्हारा वो इस चीज से लिमिट हो सकता है। अब तुम्हें पता है कि इस क्वेश्चन में तुम्हें 3 रख के चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें 4 रख के चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम 2 रख लो, माइनस 2 रख लो, प्लस 1 रख लो, माइनस 1 रख लो, कहीं हिट कर गया तो ठीक है, नहीं हिट कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर सपोज यहाँ पे 2x² होता, यहाँ लिखा होता x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 10, कुछ चेंज नहीं हुआ, राइट। यही 8 वैल्यूज है जो सेटिस्फाई कर सकती है अगर कर सकती है। अब मुझे बताओ कि कोई सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है क्या, माइनस 1 कर रहा है, नहीं कर रहा है, 2 कर रहा है, नहीं कर रहा है, माइनस 2 कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, 5 बिल्कुल नहीं कर सकता, क्या कर रहा है? हेलो सर, मैंने चेंज कर दिया, 2 यहां पे देखो चेंज कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर आप अपने बारे में वापस बताओगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो गया था, आया कैसे फिर? अरे नहीं सर, वो नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूरी थ्योरम फिर से बताऊं? नहीं नहीं, इसी थ्योरम नहीं सर, ये जो वैल्यूज आपने लिखी है ना सिलेक्टेड वैल्यूज, ये कैसे आया? हाँ हाँ, तो मैं ये बता था कि मान लो ये क्यूबिक लिखी हो x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 10, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 10, चलो 10 लो, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x³ है 1। अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है इसकी कोई रैशनल रूट है, कोई रूट इसकी पी बाई क्यू फॉर्म की है मान लो, तो अगर पी बाई क्यू फॉर्म की इसकी कोई रूट है तो जो न्यूमरेटर है वो 10 का फैक्टर होना चाहिए, पी शुड बी अ फैक्टर ऑफ 10 एंड क्यू शुड बी अ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जो पी है उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, क्योंकि 10 के फैक्टर्स हैं, या माइनस 10 के फैक्टर्स हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10, और क्यू क्यू की वैल्यूज केवल प्लस माइनस 1 हो सकती है। तो मैं ये समझा रहा था कि इनका अगर तुम पी बाई क्यू निकालोगे तो केवल ये 8 वैल्यूज आती हैं, और अब तुम इनको प्लग इन करोगे तो पाओगे कि कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तुम चाहो तो चेक कर लो, कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सर सेकंड पॉइंट कैसे यूज कर रहे हैं, मतलब q डिवाइड्स a रेस्ट an, उसको कैसे यूज कर रहे हैं, मतलब p / q फॉर्म में लिखा ना है इसको, तभी तो आया ये p / q। सर ऐसा तो भाई, तो हमने वैसे मान लो यहां पे 2 लिखा होता है सपोज इस क्वेश्चन में, तो फिर
अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं दिस क्यूबिक हैज नो रैशनल रूट. वी कैन गिव दिस स्टेटमेंट दिस क्यूबिक हैज नो रैशनल रूट. नहीं हो सकती. ठीक है. और अब तुम इस थ्योरम के बाद बिल्कुल बोल सकते हो. अब तुम्हें कहीं कोई डाउट नहीं रखना. अगर कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो उसकी कोई रैशनल रूट नहीं है. क्यूबिक की एक रूट हमेशा होगी. क्यूबिक की एक रियल रूट हमेशा होगी. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑड होगी ना इसकी. ऑड डिग्री पॉलीनोमियल है. तो जो एक रियल रूट है अब तुम गेस नहीं कर पाओगे. अब उस रियल रूट की वैल्यू तुम बता नहीं सकते क्योंकि वो रैशनल नहीं. कोई रैशनल वैल्यू होगी हमें क्या पता. तो मतलब ये जो रैशनल रूट थ्योरम है ये ऐसे क्यूबिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट ही समझ लो रैशनल रूट्स के लिए. नहीं डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट वाली चीज अलग. मतलब आइडेंटिफायर है. आइडेंटिफायर है क्या? आइडेंटिफायर है रूट रैशनल रूट्स है या नहीं. हाँ थ्योरम थ्योरम है रैशनल रूट्स के लिए लेकिन ये कोई और चीज नहीं बताएगी. केवल रैशनल रूट बताएगी और कुछ नहीं. सिर्फ ये हार्ड डिग्री पॉलीनोमियल के लिए है. सर पी बाई क्यू सब्स्टिट्यूट करके ट्राई कर सकते हैं क्या? अच्छा प्रूफ के लिए. हाँ सर पी बाई क्यू सेटिस्फाई करना चाहिए ना. तो फिर उसके बाद क्या करोगे? मानो मैंने पी बाई क्यू रख दिया सर. उसके बाद यहाँ पे पी पावर एन आएगा डिवाइड बाई क्यू पावर एन आएगा. फिर मान लो तुमने एलसीएम ले लिया तो पहुंच जाएगा. उसके बाद सर एक सेकंड. फैक्टर थ्योरम. हर बार फैक्टर थ्योरम. मुझे बताओ कि अगर p by q इसकी एक रूट है. if p by q is a root, if x equals to p by q is a root, then this implies qx minus p is a factor. बताओ बात सही है कि नहीं सही है? if x equals to p by q is a root, then qx minus p is a factor. If qx minus p is a factor, see, qx minus p, and then there will be another factor of n minus 1 degree. यहाँ पे भी कुछ आ रहा होगा. मान लो मैंने इसको कुछ लिख दिया, m से स्टार्ट कर दिया कुछ. कोई n minus 1 degree problem आ रहा होगा. Definitely all coefficients will be integers because I've already told you all coefficients here in this polynomial are integers. तो यहाँ पर जो factors होंगे उसमें भी ये QP तो इंटीजर है ही. ये M, N जो भी वहां पे आएंगे सारे इंटीजर्स होंगे. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म हियर व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ X पावर N? Q इंटू M. Q इंटू M इक्वल्स टू AN. दैट इंप्लाइज व्हाट? Q डिवाइड्स AN. सिमिलरली देयर विल बी सम कांस्टेंट टर्म. जैसे मान लो यहां पर लास्ट में लिख दूं मैं कुछ, लास्ट में लिख देते हैं R, सम कांस्टेंट टर्म है ना. अगर तुम कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो, P into R should be equal to the constant term on the left, A naught, and this implies P divides A naught. Has proved. किसी भी रैशनल रूट के लिए जो न्यूमरेटर है वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेगा और जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n को डिवाइड करेगा. हो गई बात? सर x पावर n ना, तो आपने n माइनस 1 क्यों लिखा है? क्योंकि एक फैक्टर बाहर निकाल दिया ना दोस्त. ओह ओके ओके ओके. जब एक फैक्टर बाहर निकाल दोगे तो फिर n माइनस 1 डिग्री पॉलीनोमियल बनेगा ना. यहां पर हमने इसको फैक्टराइज किया है. एक फैक्टर qx माइनस p, दूसरा. ठीक है समझ गया सर. एक बार qm वाला वापस समझेंगे क्या? qx minus p factor बन गया. उसके बाद qx minus p factor बन गया तो मैं, हाँ तो अगर qx minus p एक factor बन गया तो दूसरा factor भी तो होगा इसका. वो दूसरा factor क्या होगा? एक n minus 1 degree polynomial होगा ना. हाँ ऐसा कुछ. चलो bn लेते हैं. bn x sorry bn minus 1 x power n minus 1, bn minus 2 x power n minus 2 and so on to मान लो b naught. तो एक n minus 1 degree का polynomial होगा ना वो. हाँ. है कि नहीं? अब जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें x पावर n का कोएफिशिएंट मिलेगा. क्योंकि क्या आ रहा है? q into bn minus 1. और लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है? वो an है.
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एन इक्वल्स टू क्यू इन टू बी माइनस बी एन माइनस वन एंड दैट इंप्लाइज क्यू इज अ फैक्टर ऑफ ए एन एंड सिमिलरली मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टर्म टू कॉन्स्टेंट टर्म पी टू बी नॉट और ये पी इन टू बी नॉट किसके इक्वल होगा ए नॉट के इसका मतलब क्या हुआ कि पी जो है वो ए नॉट को डिवाइड करता है अब ठीक है हाँ सर अब मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाए 8x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 की रूट बताओ फाइंड द रूट ऑफ दिस क्यूबिक और ऑब्वियसली तुम क्यूबिक रूट निकालने का फॉर्मुला डिस्कस ही हुआ है केवल हिडन ट्रायल हिडन ट्रायल में वी विल गो फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज फॉर रैशनल रूट्स टेल मी व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पी बाई क्यू बताओ क्या क्या हो सकता है पी क्या क्या हो सकता है प्लस माइनस 1 और Q क्या क्या हो सकता है +1 -2 +-2 +-4 +-4 +-8 राइट सो P by Q if there is a root if there is a rational root it should be +-1 +-1/2 +-1/4 or +-1/8 other than this there is no other possibility और कोई पॉसिबिलिटी है ही चेक वन सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है माइनस वन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हाफ कर रहा है क्या हाफ कर रहा है हाफ कर रहा है एक्स इक्वल्स टू हाफ कर रहा है ठीक है ना समझ में यस सर ओके फाइन तो ये थी हमारी रैशनल रूट थ्योरम जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक का मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था इसलिए उसमें कंपैटिबली इजी था तुम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर रहे हो इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर रूट हटाने के लिए यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेंट नहीं है बट ये लॉजिक है कि अगर ऐसा हो गया तो रैशनल रूट हमको मिल सकती है हिट एंड ट्रायल में बस अब एक लास्ट पॉइंट और है उसको भी पढ़ लो और खत्म हो जाए हमारा काम इसको बोलते हैं इंटर दूसरा पॉइंट ये हमने लिखा है इमेजिनरी और रियल वाला तीसरा रैशनल रूट थ्योरम और लास्ट और फाइनल पॉइंट है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ठीक है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पहले मैं स्टेटमेंट बताऊं या पहले मैं एक्सप्लेन करूं मैं पहले एक्सप्लेन ये जेई में है ना ये जेई में ये थ्योरम जेई में है ठीक है ध्यान सुनो और क्वाड्रेटिक का बोला बात है कि कौन सा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्री विल बी बैक बट बहुत छोटा सा टॉपिक है आई मीन हार्डली 2-3 लेक्चर सा टॉपिक है छोटा सा देखा तुम्हारा इजी है देखा तुम अपनी एसएल लोनी में एक ही चैप्टर होगा उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हां सर एक ही है ओके इंटरमीडिएट वाले थ्योरम क्या है मैं पहले तुम्हें स्टेटमेंट सुनाता हूं पहले तुम स्टेटमेंट सुनो स्टेटमेंट क्या है लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बी अ पॉलीनोमियल इक्वेशन राइट एंड P of A into P of B is less than 0. अभी मैं explain करता हूँ. P of A into P of B is less than 0. Then P of X equal to 0 will have at least one real solution, या root, in open interval A to B. बताओ अभी ये स्टेटमेंट सुन के समझ में आया कुछ भी सर पर ए और बी क्या है सब कॉन्स्टेंट्स सर फिर पी ऑफ कुछ नहीं समझा कुछ भी नहीं समझा फाइन ओके सर हो गया समझ गया तो पी ऑफ बी लेस देन 0 है तो वन ऑफ देम शुड बी पॉजिटिव नेगेटिव मतलब दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाएगा तो उसके बीच में
उन दोनों के बीच। ओके सर, समझा समझा सर। कोई बात नहीं, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। जोर कांस्टेंट है ना सर? हां, जोर तो कहां रहता है? जोर कहां रहता है सर? कोपर करना, कोपर करने वेस्ट या ईस्ट सर? इतना नहीं, सेक्टर 11 है। मतलब ईस्ट में आता है कि वेस्ट में आता है? आई मीन हाईवे के इधर है कि हाईवे उधर है? चलो चलो, कुछ लोग मेरू रहते हैं। ईस्ट में आता है सर, ईस्ट में आता है। हां वही, तो ये तुम्हारा कोपर करने ईस्ट है, ये तुम्हारा कोपर करने वेस्ट है, और ये है हमारी लोकल रेलवे लाइन। ठीक है, ओके। अब मान ले ये तेरा घर है और वेस्ट में तेरे कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड का घर है। और तुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, तुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। ओके। तुझे ये रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी एटलीस्ट एक बार, तीन बार, I don't know. But railway line cross करनी पड़ेगी, right? हाँ sir. किसी भी situation में ये line cross करनी पड़ेगी. Obviously अब ये कहीं end हो गई और तुम जो है तुमने कोई ship लिया और तुम घूम के इधर से कहीं आ गए, वो अलग चीज़ है ना ये. Practically speaking कि ये कि ये line infinity को जा रही है और तुम्हें इस point तक पहुँचना है. Your path will definitely intersect this line. Understood? Now look at the statement. अब ये statement देखो. Somewhere it is related. Px equal to zero is a polynomial. Pa into Pb is less than zero. Pa into Pb is less than zero मतलब कि भाई a और b यहाँ पर दो fixed points हैं. और Pa into Pb less than zero मतलब कि अगर a पर इस polynomial की value positive है, मान एक मिनट के लिए positive value दे रहा है, तो b पर इस polynomial की value negative है. उल्टा हो सकता है, a पर इसकी value positive है तो B पर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है. दोनों पॉसिबिलिटीज है, यानी या तो ये P1 P2 पॉइंट से पास हो रहा है या फिर ये Q1 Q2 पॉइंट, सॉरी ये पॉजिटिव, या तो ये P1 P2 पॉइंट से पास हो रहा है या फिर ये Q1 Q2 पॉइंट से पास हो रहा है. सर अब A1 नेगेटिव होगा ना उधर नीचे? हां बाबा समझ ले. ठीक है ठीक है, स्टाइल सही नहीं इसका. हां तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पॉलीनोमियल का ग्राफ है जो P1 P2 से पास होना ही होना है और ये बीच में x एक्सिस है, तुम्हें पता है कि किसी भी पॉलीनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, वो कभी ब्रेक नहीं होता है, राइट? तो इन शॉर्ट मुझे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है विदाउट लिफ्टिंग माय पेन. विदाउट लिफ्टिंग माय पेन आई हैव टू ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स. दिस ग्राफ विल इंटरसेक्ट एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा. हो सकता है कि तुम यहाँ इंटरसेक्ट करके वापस चले जाओ, बट अल्टीमेटली घूम के वापस फिर इस पे आना ही पड़ेगा क्योंकि इससे पास करना है. तो तुम क्या देख रहे हो, समझा? डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पर एक रूट तो होगी ही. सर पार्टिसिपेंट 78 हो गए. कोई बात नहीं, ये तो ऐसा ही है ना जैसा हमने एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल पढ़ा था. हाँ, लोकेशन ऑफ रूट्स में हमने थोड़ा बहुत इसको डिस्कस किया था. और ये भी बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रूट्स आएंगी वो हमेशा ऑड रहेंगे. बिल्कुल सही बात है, बिकॉज अगर ये घूम के वापस गया तो ये वापस जहां जिस रीजन से आया था वहीं पहुंच गया, लेकिन अगर वापस उसको नेगेटिव होना है तो एक बार कट करना ही पड़ेगा ना. तो जो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ग्राफ के वो हमेशा ऑड होंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो ऑड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे. बिल्कुल सही बात, ऑड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे. सर ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राफ Q2 से P1 जाए फिर P1 से Q1 जाए फिर P2? एक मिनट एक मिनट, कुछ ज्यादा घुमा रहा है. हाँ, कहाँ पे कहाँ जाए क्या फिर बोलो? Q1 से P1 जाए फिर P1 से दूसरी साइड से घूम के Q1 फिर P2. क्या हो, एक रुको. Q1 से P1 नहीं जा सकता ग्राफ. Q1 से ग्राफ P1 पे नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि एक x के लिए दो y नहीं मिल सकते ना. एक x कोऑर्डिनेट के लिए दो y की वैल्यूज नहीं मिल सकती. ये सब फंक्शंस की डेफिनेशन में, और ये बहुत ऑब्वियस बात है यार. ये देखो ना, जो जिसको हम बोल रहे हैं पॉलीनोमियल इक्वेशन, जिसको हम पी एक्स बोल रहे हैं,
जब तुम किसी भी क्वाड्रेटिक में या क्यूबिक में x की एक वैल्यू डालते हो, x की एक वैल्यू, तो y की एक ही वैल्यू मिलती है ना, तो ये q1 से p1 तो नहीं जा सकता, कभी नहीं जाएगा। इन शॉर्ट कोई भी वर्टिकल लाइन कनेक्ट हो गया था। अच्छा सर, इसके लिए तो ये a और b, ये p of a p of b less than 0 से बताओ ना एक बार, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर p of a into p of b नेगेटिव है तो px equal to 0 की कम से कम एक रूट a और b के बीच में होगी। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था क्यों होगा ऐसा। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर मान लो a पर ऐसा मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है और b पे मान लेते हैं कि नेगेटिव है, a पर पॉजिटिव है और b पर नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट तक पहुंचना है ग्राफ को, तो ग्राफ को x एक्सिस को बीच में कट करना ही पड़ेगा, बिकॉज ग्राफ ब्रेक तो होगा नहीं, ग्राफ कंटिन्यूस होगा, इट हैज टू कट x एक्सिस समवेयर। और देखो x एक्सिस को वो कम से कम एक बार तो कट करेगा। अभी इन लोगों ने इसको रिफॉर्म किया, उन्होंने बताया कि नहीं, एक या तो एक बार करेगा या फिर दो बार नहीं कर सकता, फिर तीन बार करेगा या फिर फाइव टाइम्स करेगा। जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो ऑड होंगे, और इसलिए देखो मैंने रूट्स वर्ड यूज किया है। अगर इसको और डिस्कस करना चाहो, ये मान लो ए पर पॉजिटिव है और बी पर नेगेटिव है। अब जरा एक सिचुएशन देखो, यहाँ पर ग्राफ टच करता हुआ निकल गया और फिर नीचे पहुंच गया, कितने रूट्स आ रही हैं भाई इस बार? तीन। अभी भी तीन रूट्स हैं। अगर तीन है, नहीं, तीन है। अगर हम रूट्स बोलेंगे ना, अगर हम रूट्स बोलेंगे तो तीन है, अल्फा अल्फा एंड बीटा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, तुम कोई कॉन्ट्रेक्शन निकाल नहीं सकते हो। नंबर ऑफ रूट्स हमेशा ऑड है। बी भी पॉजिटिव हो, इफ बी इज आल्सो पॉजिटिव, हम कुछ नहीं बोल सकते ना भाई। ए पर भी पॉजिटिव है, कंडीशन ही लगेगी। बी पर भी पॉजिटिव, बी पर भी पॉजिटिव है। अब ग्राफ हो सकता है कट करे, हो सकता है कट ना करे, कुछ भी हो सकता है ना, तो हम नहीं बोल सकते। बट अगर साइन चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली बोल सकते हैं, ठीक। अब मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन केवल और देख लो, बस ज्यादा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लो। मान लो क्वाड्रेटिक का ही ना, कोई क्यूबिक या वो सब नहीं दे रहा हूं मैं, ये देखो ऐसा क्वेश्चन तुमने डेफिनेटली देखा होगा तुम्हारे असाइनमेंट में। मान लो लिखा हुआ है ए लेस देन बी लेस देन सी। क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन are real and sir, located. आपने वो कैसे conclude किया कि repeating roots रहेगी? मैंने conclude नहीं किया, मैंने बस एक situation दिखाई है कि कई लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक contradiction है कि यहाँ पर तो दो ही roots आ रही हैं, तो ये दो roots नहीं है, ये भी तीन roots वाला case है। अगर कोई graph touch कर रहा है तो वहाँ पर roots repeated होती है ना, और ये दो बार repeat हुए जरूर नहीं है, I mean ये चार बार। अब ये सब calculus में आएगा ना, ये रेपिटेशन जो है, ये सब चीजें इवेंट टाइम्स होगा रेपिटेशन। हाँ, इवेंट टाइम्स होगा। अगर ऐसा इस तरीके से ग्राफ टच कर रहा है तो एक टच ये वाला भी होता है, ऐसा टच क्यूबिक वाला, यहाँ पे तीन बार रिपीट हुई है रूट्स। अब ये सब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैक्सिमा मिनिमा ये सब चीज जो है कैलकुलस से पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल ये स्टेटमेंट जो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का वो यूजफुल है क्वाड्रेटिक में भी। लुक एट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव करो कि इस इक्वेशन की रूट्स रियल है, और मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, आल्सो लोकेट, बताओ कि वो रूट्स कहां पर, उन रूट्स की लोकेशन बताओ। तो बताओ ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। सर, अगर पहले तुम देखो, यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, यहाँ पर ए बी सी कोई कॉन्स्टेंट समझो, और सोचो कि एक बार हमने अगर पी ऑफ ए निकाला, हम बस चेक कर रहे हैं कि पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, उसका साइन क्या है। एक्स को अगर हमने ए सब्स्टिट्यूट किया, देखो ये चीज जीरो हो जाएगी, ये चीज जीरो हो जाएगी, और आएगा ए माइनस बी, क्या आएगा भाई, ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी पॉजिटिव होगा। अब a माइनस क्यों भाई, a छोटा है, a सबसे छोटा है सर, दोनों नेगेटिव होंगे ना, दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो
प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा ना, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा. यस, सो p ऑफ a पॉजिटिव, p ऑफ a इज पॉजिटिव. व्हाट अबाउट सिमिलरली, व्हाट अबाउट p ऑफ b, p ऑफ b क्या होगा? नेगेटिव. p ऑफ b आएगा तुम्हारा b माइनस c इनटू b माइनस a. नाउ b इज इन बिटवीन, तो b माइनस c तो नेगेटिव है बट b माइनस a पॉजिटिव. सो दिस इज नेगेटिव. And P of C is C minus A into C minus. Positive. Both are positive. Positive. C is it is positive. No need of intermediate value theorem. तुम बस graph अपने आप बना के देखो इसका. A B C. A पर positive कोई point यहाँ पर है. B पर negative कोई point यहाँ पर है. C पर positive कोई point यहाँ पर है. We know the graph of this equation will be a parabola. Connecting these dots, if you draw a parabola, तुम्हें दिख रहा होगा. कुछ ऐसा बनने वाला है. तो ना केवल ये प्रूव हो गया कि इसकी रूट्स रियल हैं, हमको मिल गया कि रूट्स कहां पर है. कहां पर है रूट्स? एक रूट ए और बी के बीच में है और दूसरी रूट बी और सी के बीच में. और सी के है ना. अल्फा बिलोंग्स टू ए टू बी एंड बीटा द अदर रूट बिलोंग्स टू बी टू सी. तो ये एडवांटेज है. इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा देखा क्या होता, बेसिक, कि तुम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हो. तुम ये शो करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज पॉजिटिव बट उससे कहीं बेटर है. ये तरीका, वैल्यूज डाल दी, चेक कर लिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ. जैसे ही उसका साइन चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, उन दो वैल्यूज के बीच में रूट्स आनी कंफर्म है. रूट्स आएंगे. सर आपने ये नहीं बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मॉड आ गया तो क्या करना है. मॉड अभी डिस्कस ही नहीं हुआ. मॉड का वेट करो ट्रिगो इक्वेशन के बाद. ट्रिगो इक्वेशन जब फिनिश होगा तब हम पहुंचेंगे इन इक्वेशंस लॉग एंड मॉड पर. उस चैप्टर में मॉड कवर होगा, लॉग कवर होगा और इनइक्वालिटीज आगे पढ़ेंगे लॉग और मॉड. सर ट्रिगो के अगर डिटरमिनेंट्स आ गए तो. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार रिपीट कर दोगे ग्राफ का कैसे हुआ? इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं सर. अच्छा क्वेश्चन पढ़ लो. देखो ये क्वाड्रेटिक है, x minus a, x minus b plus blah blah, जो भी है, equal to zero. और इस क्वाड्रेटिक में प्रूव करना है that roots are real. और उनको लोकेट करना है कि वो roots कहाँ पर है with respect to a, b, c. तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो इस क्वाड्रेटिक में देखा कि अगर x की वैल्यू, अगर इनपुट को a रखा जाए तो आउटपुट कैसा आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव. तो हमने जब देखो x को a रखा तो फर्स्ट टर्म a माइनस जीरो हो गई, सेकेंड टर्म ए माइनस बी ए माइनस सी आ गई, थर्ड टर्म फिर जीरो हो गई. ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी पॉजिटिव होगा. कैसे पता? ए इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्वेश्चन में दिया होगा ए लेस देन बी लेस देन सी. सो ए माइनस बी इज नेगेटिव, ए माइनस सी इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव. ऐसे ही हमने तीनों साइंस निकाले और फिर हम जैसे पैराबोला ड्रॉ करते हैं, हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए पैराबोला बनाया और देखा कि जो पैराबोला है वो एक बार ए से बी के बीच में कट करेगा और एक बार बी और सी के बीच में कट करेगा. तो क्योंकि पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो रूट्स रियल होंगी और जहां कट कर रहा है तो रूट्स वहीं पर होंगी. तो ऑब्वियसली वो कट कहां कर रहा है, ए और बी के बीच में और बी और सी के बीच में. ठीक है सर, इसमें कुछ इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, ए बी एस सी में से कुछ इंक्लूडेड नहीं है. स्ट्रिक्टली है ना, स्ट्रिक्टली अगर यहां पर लेस देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता तो स्क्वायर ब्रैकेट में, अदरवाइज ये राउंड ब्रैकेट ही है. ए और बी के बीच में स्ट्रिक्टली होगा, ए बी नहीं हो सकता ना, क्योंकि ए पर देखो ना, ए पर इसके लिए जीरो थे ना, ए पर पॉजिटिव आ रहा है, बी पर इसके लिए नेगेटिव आ रही है, तो ए बी से खुद रूट्स हो ही नहीं सकते, इसलिए यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा. सर अगर स्टार्टिंग में इक्वालिटी दी होती तब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते ना. हाँ, अगर यहाँ पर लिखा होता क्या लिखा होता भाई, ए लेस देन और इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, मतलब यहाँ पे किसी तरीके से पी ऑफ ए पॉजिटिव के साथ साथ जीरो भी आ सकता, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते थे. बट इतने इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है स्क्वायर राउंड, बस तुम्हें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का केवल एक सेंस देखना है. और सेंस क्या है उसका? सेंस ये है कि भाई अगर साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो उसके बीच में एक जगह तो रूट है, बस इतना ध्यान रखो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. मतलब सर एलिमेंट्री ट्रिगो में कुछ क्वेश्चन थे उसमें डिटर्मिनेंट्स यूज कर रहे थे, तो करने में वो करनी या फिर नहीं करने? डिटरमिनेंट्स तुमने फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा यार, क्रॉस कोड. हां सर, वो पढ़ा है थोड़ा बहुत. हां तो यूज कर लो ना, क्या दिक्कत है, डिटरमिनेंट्स आएगा.
वो टेस्ट में आएगा क्या? सीएल टेस्ट में नहीं आएगा, टेस्ट में आएगा बट टेस्ट में ज्यादा कोई बात नहीं, तुम अपने असाइनमेंट में छोड़ो मत उसको, ठीक है भाई? सर जो जेईई मेन का जो सीए होगा उसमें मतलब एक्सपेक्टेड कितने, मतलब कितने मिलने चाहिए, क्या चीज कितने, मतलब कितने एटलीस्ट मिलने चाहिए इसमें सीए में? अरे थोड़ा माइक दूर रख यार, जितने मिला जितना